आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मैंने प्रेम पत्र लिखा आवारा बहती हवा पर, हवा के कदम लड़खड़ाए और हवा ने अपनी दिशा बदल ली। मैंने एक प्रेम पत्र लिखा आसमान में लहराती लाल पतंग पर, पतंग कटी और एक बच्चे ने उसे अपने घर की दीवार पर लटका दिया। मैंने एक प्रेम पत्र लिखा कल कल बहती सुरमई नदी के मीठे जल पर, और नदी जाकर समुद्र में समा गई। मैंने एक प्रेम पत्र लिखा नाग चंपा के महकते फूल पर, और चिड़िया को दे दिया। चिड़िया उसे लेकर इधर उधर उड़ी और किसी घने जंगल में छिप गई। मैंने एक प्रेम पत्र लिखा बादलों से घिरे आसमान के शामियाने पर, और कड़कती बिजली ने उसे पल भर में भस्म कर दिया। मैंने हार कर अंतिम प्रेम पत्र गर्म आंसुओं से अपनी आत्मा पर लिखा और उसे अपने दुख के हवाले कर दिया। मेरी प्रेमिका, ये वही पत्र है जिसे तुम अब पढ़ रही हो। मुझे नहीं पता था प्रेम हमारे बीच नहीं, हमारे दुखों के बीच था। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:18 और 32 सेकेंड, और शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार हो पतंग मेरी चली रे। लागे पतली कमर बड़ी बली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे।
तार बड़ी तेज है कटार देगी काट के रख दिल जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म भाभी से अभी आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत गीत। संगीत था चित्रगुप्त का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। 1957 में रिलीज हुई फिल्म भाभी में मुख्य भूमिका निभाई थी बलराज साहनी, पंडरीबाई और नंदारे। ये फिल्म साल की आठवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। ये फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म बंगा गोरा की रीमेक थी, जो बदले में प्रभाती देवी सरस्वती के उपन्यास बिजिला पर आधारित थी। बंगाली फिल्म को पहले तमिल में कुलाधीवम के रूप में और बाद में कन्नड़ में जेनुगुडू के रूप में बनाया गया था। पंडारीबाई ने बंगाली को छोड़कर सभी संस्करणों में अपनी भूमिका दोहराई। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1958 में नंदा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला गीत।
लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मुगले आजम से सुना आपने ये सदाबहार गीत। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। फिल्म मुगले आजम में स्टार कास्ट थी पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत, दुर्गा खोटे, निगर सुल्ताना। स्क्रीन प्ले के आसिफ और अमान यानी अमानुल्लाह खान जो जीनत अमान के पिता थे। डायलॉग लिखे थे अमानुल्लाह खान ने, कमाल अमरोही ने, एहसान रिजवी ने और वजाहत मिर्जा ने। गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और संगीत दिया था नौशाद साहब ने। निर्माता निर्देशक के आसिफ, इस फिल्म के बारे में शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। 8वीं फिल्म फेयर अवार्ड में मुगले आजम को 11 नॉमिनेशंस मिले और 3 अवार्ड मिले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायलॉग जो 4 लोगों ने लिखे थे और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी RD माथुर ने। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से। हमारे हुस्न की बिजली
चार दिन में, आहा के चार दिन में, 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 चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा, के चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, के चार दिन में। रंग पर नाज न कर क्योंकि रंग बदल जाता है, वाह वाह ये वो मेहमान है जो आ जाता है कल जाता है। इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है, हुस्न का नाजी ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है, हुस्न का नाजी ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है। पहाड़ हुस्न सलामत खुदा से पूछ डरा के चार दिन में, आहा के चार दिन में, चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा, के चार दिन में। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। यार बादशाह यार दिल रोबा हो, यार बादशाह यार दिल रुबा आतिल आँखों सादी ओ ते
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आई परीक्षा इसकी है चहुंओर है चर्चा। आई परीक्षा इसकी है चहुंओर है चर्चा। परीक्षा पे चर्चा सुनकर उत्साहित है अब हर बच्चा। जी हाँ, 29 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। तू सामने है तो सब कुछ है वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Thank you.
तुम्हें याद करने पर तुम्हारा शहर मेरे थोड़ा और नजदीक खिसक जाता है। तुम्हें याद करने पर तुम्हारा शहर मेरे थोड़ा और नजदीक खिसक जाता है। एक दिन दुनिया बस एक गांव होगी और मेरी छत पर देखे सपने छलांग मारकर तुम्हारे छत पर जा सकेंगे और मैं हर महाद्वीप से तोड़ सात फूल सातों दिन तुम्हारी राह देखूंगी। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:45 और 31 सेकंड और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। ऐसे चिकने चेहरे हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा ओ कभी डाल इधर भी फेरा के तक तक नैन थक गए के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। बहाने आ जा ओ पानी लेने के बहाने आ जा के तेरा मेरा एक रास्ता के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरिये तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरिये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब जाने दे जिंद मेरी।
जैसी हो, तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, वो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। दिल लेके दगा देंगे, ओ दिल लेके दगा देंगे, याद है मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे, याद है मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे। दिखा देंगे ओ, दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म नया दौर से सुना आपने ये सदाबहार गीत। नया दौर फिल्म दिलीप कुमार और वैजंती माला के अभिनय से सजी भारतीय सिनेमा के इतिहास की बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है, जिसे बीआर चोपड़ा ने बनाया था। आज भी इस फिल्म का संगीत बड़े चाव से सुना जाता है। इस फिल्म को रंगीन करने में 3 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा। नया दौर जो 1957 में बनी थी, वो उस ज़माने की बहुत ही बड़ी सफल फिल्म थी। बी आर चोपड़ा की इस फिल्म ने जो संदेश उस समय दिया था, वो आज भी, आज के समय में भी उतना ही प्रसिद्ध है। उस समय की एक क्रांतिकारी फिल्म मानी गई थी, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, नया दौर। नया दौर बी आर चोपड़ा की संभवतः उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है। मनुष्य बनाम मशीन जैसे ज्वलंत विषय को उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया था। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला गीत फिल्म आजाद से।
जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी, देखा ही नहीं तुझको सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही।